सिमुलेशन एज ए ट्रेनिंग टूल या टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग, ये होता क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? जब भी हम कोई ट्रेनिंग की बातें करते हैं, जब हम कोई कैपेसिटी बिल्डिंग की बातें करते हैं, तो कुछ टूल्स का हम सहारा लेते हैं। वो टूल्स हमारे व्यवहार से, हमारे लाइफ से काफी जुड़े होते हैं, हमारे लिए आसान भी होते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि ग्रुप डिस्कशन, ये क्या, ये भी एक टूल है। लेक्चर मेथड, ये भी एक टूल है। आपने लोगों को बातें बतानी है, टॉक डिलीवर करना टूल है, रोल प्ले टूल है, एक्सकर्शन टूल है। हमने एक्सकर्शन के ऊपर दो डिटेल बनाई थी, उसमें एक चीज को बहुत हाईलाइट किया था नाम लिए बगैर, वो था सिमुलेशन। पहले थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बातें डिफरेंस की समझ लेते हैं, तो फिर आप समझ जाएंगे कि सिमुलेशन कितना यूजफुल है, कितना इम्पोर्टेंट है, रादर कितना एसेंशियल है किसी भी नॉलेज को, किसी भी स्किल और एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए कितना जरूरी है। पहले हम समझते हैं एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब होता है एक्सपोजर। अगर सिंपल भाषा में करें, एक चीज को एक्सपोजर, विजिट करा हमने, एक्सकर्शन किया जी, एक्सकर्शन करा कि हमने लाल किला देखा और ये घूम के आ गए, ऐतिहासिक नॉलेज के लिए इस प्रकार के हमने स्कूलों में देखा हुआ एक्सकर्शन। लेकिन इसका अगर देखा जाए थोड़ा सा डीप मीनिंग भी होता है अगर इसको पूरी सेंस में लिया जाए, क्योंकि जब भी आप एक्सकर्शन पे जाते हैं पहले आपका ओरिएंटेशन होता है, आपने क्या देखना है, क्या करना है, फिर आपका एक्सपोजर होता है, वो चीज दिखाई जाती है, फिर आपका इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है, और अगर पॉसिबल होता है तो जिसका मोस्ट यूजफुल पार्ट है तो सिमुलेशन किया जाता है, यानी उसका एक्सपीरियंस लर्निंग की जाती है और बाद में डीब्रीफिंग होती है। यानी इतने सारे स्टेप अगर होते हैं तो आपका एक्सकर्शन पूरा होता है, लेकिन डिपेंड करता है किस पर्पज के लिए जा रहे हैं। इसलिए अधिकतर लोग शुरू में समझा देते हैं, विजिट करके आगे वहां पे कुछ इंटरेक्शन करा, बाद में डीब्रीफिंग किया, उसको कनेक्ट कर लेते हैं अपनी लर्निंग के साथ। ये हमारा एक प्रकार से नॉलेज बढ़ाने का एक टूल हो गया। साथ में कंडीशंस को, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना, जानकारी प्राप्त करना, उसके लिए एक टूल हो गया। अब थोड़ा सा रोके रोल प्ले पे आते हैं। रोल प्ले, जैसे आपने मजदूर कैसे काम करते हैं, कुली कैसे काम करते हैं, या एथलीट लोग किस प्रकार अपने आप को तैयार करते हैं, क्या क्या गेम खेलते हैं, तो उसके लिए आपको समझाया जाता है कि उसमें होता क्या क्या है और वो कैसे कैसे इनेक्टमेंट होता है। यानी रोल प्ले तो एक प्रकार से नॉलेज को दिखाता है उसमें क्या क्या होता है। इसके अंदर अच्छी चीज है कि आपकी एक्टिंग स्किल जितनी बढ़िया होती है, यानी आपका एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन स्किल जितनी बढ़िया होती है, उतना आप इनेक्टमेंट आप कर जाते हैं। लेकिन ये भी तो एक नॉलेज बढ़ाने की ही बात हुई, थोड़ा बहुत ये इन्फ्लुएंस करता है स्किल वगैरह को भी, लेकिन एटीट्यूड को थोड़ा सा करता है, लेकिन अधिकतर अछूता रह जाता है। अब आते हैं सिमुलेशन। मैंने इन दोनों का थोड़ा थोड़ा इसलिए समझाया कि आप इनको आप कनेक्ट कर सके आपस में, सारी चीजें मिलती जुलती भी है, अलग भी है और जरूरी भी है। किसी भी चीज को जब हम सिखाते हैं, जिसको हम वर्कशॉप कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं, या जानकारी बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उसके तीन मुख्य पहलू होते हैं। एक तो नॉलेज इम्पार्ट करना, यानी वो है क्या, उसके फाइनल डिटेल्स के बारे में पता हो, थ्रेटिकल नॉलेज उसके बारे में हो, वो सारा का सारा होना चाहिए। ठीक है, ये तो बड़े आसान से एक्सपोजर विजिट में हो जाता है, रोल प्ले में भी हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है, और सिमुलेशन में भी यह हो जाता है, राइट। उसके बाद में दूसरा है स्किल बढ़ाना, मेन चीज स्किल बढ़ाना, यानी हाउ टू डू दैट, हाउ टू परफॉर्म दैट, वो स्किल बढ़ाने के लिए करना जरूरी हो जाता है। थोड़ा बहुत रोल प्ले से हम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, लेकिन स्किल बगैर करे नहीं होती है,
आप साइकिल चलाना जब सीखते हैं जब आप साइकिल के ऊपर बैठते हैं, आप तैरना जब सीखते हैं जब पानी के अंदर घुसते हैं, सारे प्रिंसिपल धरे रह जाते हैं। अगर आप पूरी थियोरी आप सीख के आए हैं और पानी में घुस जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, बचना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें तो हो ही नहीं जो स्किल की थी, वो तो आपने देखा है। एक्सपोजर आपका सिर्फ अवेयरनेस लेवल का था, नॉलेज लेवल का था, स्किल लेवल का नहीं था। और अगर आपको उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग आती भी है, आप उसे करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करना। तो बेसिकली स्किल इतना प्रभावित नहीं हो पाती और एटीट्यूड भी नहीं हो पाता। कई बार एटीट्यूड बल्कि गलत प्रभावित हो जाता है, उसे वो चीजें जो देखता है कोई दूसरे करते हुए तो वो आसान लगती है। आप किसी जब रेसलर को बॉक्सर को देखते हैं आपको लगता है बॉक्सिंग बड़ा आसान है, लेकिन जब आप रिंग में आते हैं आपको पता लगता है कितना आसान है कितना कठिन है। हर चीज का यही एक पहलू है। तो उसके लिए एक्सकर्शन में अगर सिमुलेशन हो जाता है, यानी सिमुलेशन इंडिपेंडेंट टूल भी आप समझ सकते हैं। तो सिमुलेशन दो प्रकार से होता है, कई बार तो नियर टू रियल सिचुएशन, अगर वो नहीं हो सकती है उसके आस पास की, ताकि वो अनुभव ऑलमोस्ट रियल अनुभव हो जाए, उस प्रकार का ऑर्गेनाइज करें, या रियल सिचुएशन अगर मिल जाए तो वो करें। इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके साथ एक्सपर्ट का रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई हैजर्ड है कोई रिस्क है उसको कैसे हैंडल करना है, उसको तो आपको रोल प्ले में उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। रोल प्ले में तो ये कह देगी एक्सपर्ट ने आगे ठीक कर दिया, लेकिन जब आप सिमुलेशन कर रहे हैं तो फिर तो वहीं उसी वक्त तो मैनेज करना है, तो वहां पर आपके साथ एक्सपर्ट का होना जरूरी है। तो अगर हम नॉलेज के साथ स्किल देते हैं उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं तो सिमुलेशन बहुत ही इफेक्टिव टूल है, और ये अक्सर लोग वर्कशॉप में करते हैं, करना चाहिए। अगर आप ग्रुप डिस्कशन का सिमुलेशन चाहते हैं, उस किसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन करने का चाहते हैं, तो ग्रुप में आपको बैठाना पड़ेगा, बैठाकर आप इंटरेक्शन होगा, आपको पता लगेगा कि कहां कहां से लोग किस प्रकार उसको रोकते हैं, किस प्रकार फैसिलिटेट करते हैं, किस प्रकार उसको संभव करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे इनिशिएटिव लेते हैं, कौन किसके साथ बोलता है, बहुत सारी बातें उसके अंदर है। आप जब सीखते हो, जब आप उसके पार्टिसिपेंट बन जाते हो, तो सिमुलेशन में है लर्निंग बाय डूइंग, हो सके तो बिल्कुल रियल या नियर टू द रियल एक्सपीरियंस वो होता है वो सिमुलेशन, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए वर्कशॉप के अंदर सेशन देने के लिए कहा जाता है, क्लास कंडक्ट करने के लिए कहा जाता है, क्लाइंट को हैंडल करने के लिए कहा जाता है, अप्रेंटिस पे लोगों को भेजा जाता है ना, जाके मैनेज करो, वो देखते भी हैं करते भी हैं। उसमें जो समस्याएं आती है तो एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए कोई ना कोई होता है, यानी एक प्रकार का लर्निंग लाइसेंस के साथ साथ कोई एक ट्रेंड ड्राइवर भी साथ होता है तो गाड़ी ठीक चलती है, खतरे मैनेज हो जाते हैं। तो ये सिमुलेशन के बारे में जानना जरूरी था, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए रोल प्ले एक्सकर्सन सिमुलेशन इन सब में, और इनको एक ही साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए आप पाएंगे देखेंगे तो। इसलिए कभी कभी आपस में बातें करते वक्त एक दूसरे की बात भी ऐसा लगता है तो इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है। ओके, तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद।